हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, और अभी आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी इस वेबसाइट पे जाइए, menti.com पे, और जाके जो मैंने कोड दिया उस कोड को यूज करिए। कोड बता देता हूँ एक बार आपको। कोड है आपका 62 5949। इस कोड को यूज करिए। तो कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं। ओके, तो इस कोड को यूज करना है आपको, 62 5949। अभी बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। फिर स्टार्ट हो जाएगी क्विज। क्विज इज नॉट ओपन, प्लीज वेट फॉर प्रेजेंटर। हाँ, वो तो आएगा ही लिखा हुआ। प्रेजेंटर को जब तक मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा तब तक नहीं आएगा। पर आप अपना अपना ही कोड को डालिए, इस कोड को डाल के रखिए। अभी इस कोड को डाल के रखिए, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? मैं प्रेजेंट स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो 65 स्टूडेंट आ गए हैं, दिख रहे हैं आप सभी को? 62 5949 स्कोर कैसे पता लगेगा? लग जाएगा पता भी भाई साहब, बहुत सारे स्टूडेंट आ गए हैं आज तो। 67 आ गए। ओके, चलो स्टार्ट करूं फिर मैं। ओपन नहीं होता है, ओपन हो जाएगा ना। अभी menti.com पे जाओ यार, और इसी कोड को यूज करो, 62 5949। बता चुका हूं मैं आपको 10 बार यार, फिर भी आप ये पूछते हो। ओके, तो अभी बता दो, जब आप सब तैयार हो जाए तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ फिर क्लास, आपका टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। डांसर ग्रुप में ग्रुप से बेदखल हो गए? क्यों हो गए भाई साहब? प्रखर, आज तो 50 क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। चलो करो फिर स्टार्ट में। हाँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। और ओनली 75 एक्टिवेट आर शोन। बहुत स्टूडेंट आ गए हैं, 91 91 स्टूडेंट आ गए हैं। चलो करूँ मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं रेडी करता हूँ, है ना। आप बार बार मत पूछना, मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको। menti.com पे जाओ, वहां पे जाके कोड यूज करो, 62 5949। 62 5949 यूज करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सर किस में देखूं? आप गूगल पे जाके menti.com डालो, menti menti.com डालो, और वहां पे जाके इस कोड को यूज करो। इस कोड को यूज करो, कोड में बता चुका हूँ आपको, 62 5949। और भाई साहब आप बता दो इन बच्चों को, जो जो को नहीं बताया। क्वेश्चन दिखेंगे ना, अब दिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, 100 स्टूडेंट आ गए हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर स्टार्ट हुई, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, आपका टेस्ट चलेगा। लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बोलूंगा कुछ ना कुछ कि भाई कितने नंबर आए हैं। बीच में मैं आपको बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करूंगा। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट गाइज। बहुत टाइम दिया मैंने, 45 सेकंड दिया है, बहुत टाइम है भाई। करो जितने से करना है, जैसे यहाँ करना है यूट्यूब पे कर लो, वहां मजा आएगा। वैसे कॉम्पिटिशन दिखेगा और आपको रैंक भी दिखेगी वहां पे। menti.com पे जाना है, menti menti.com पे जाना है, वहां जाके कोड यूज करना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 62 5949। मैं स्टार्ट करता हूँ, बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है? इंटरेप्ट नहीं करूंगा आपको, बस क्वेश्चन कर लीजिए पहले आप, और फिर बाद में इंटरेप्शन होगा।
नहीं, आवाज मैं लाऊंगा नहीं, आवाज अभी आवाज नहीं लाऊंगा, ठीक है? अभी आप कर लो, आराम से करते रहो करते रहो। डॉक्टर एविल ऊपर पहुंच गए वैसे। चलो मैं बोल देता हूँ, बीच में आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? जो स्टूडेंट नहीं दे पाए हैं वो जाके mandy.com पे जाइए और यूज कीजिए कोड 625949। गूगल पर क्या सर्च करना है? MENTI menti.com। नीरज शर्मा जी, ओके, लिंक दे दिया था मैंने यार अभी तुम्हें, अब लेट हो गए हो तुम सब। टाइम दिया था मैंने आपको 9 बजे का।
अच्छा बोलते रहूँ, चलो बोलता रहूंगा मैं आपको। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलो मैं सबका आंसर दूंगा, मैं आपको साथ साथ जो सोल्यूशन है वो दूंगा। देखते हैं कौन ऊपर पूछ रहा है। और ये पूजा एग्जाम के चेले भी हैं चलो चेले भी हैं। तो ऋषभ गुप्ता सेकंड नंबर पहुंच गए हैं और ये एजे सबसे ऊपर है। एजे कौन है? चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अमित सिंह तोमर ही पहुंच गए। वाह भाई वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जवाब देंगे क्विकली, देंगे जितने जल्दी जवाब दोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। फिर जितनी जल्दी जल्दी नंबर आएंगे 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 सबने दे मारा पहले। टाइमिंग ज्यादा दी दिया मैंने आज तुम्हें। बच्चे रोते हैं सर टाइमिंग नहीं मिल पाता है, खुलने में टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज मैंने आपको 45 सेकेंड दिए हैं पर क्वेश्चन का। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब सही दे पाता है। अदनान जी वहां पे जाके दो ना, पता नहीं क्या होगा तुम सबको। अच्छा नहीं। यहीं पे दे रहे हो साइक सारे, वहीं जाके दो। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर ए है। 20 सेकंड दीजिए सर। हाँ कल से 20 दूंगा अगली बार से। अभी आपको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा कि कैसे चलता है ये, फिर आपको टाइम समझ में आ जाएगा, फिर मैं टाइम अपना आप ही कम कर दूंगा। वहां देखकर यहाँ भी देते हैं सर। अच्छा जी चलो अच्छा है। प्रदीप रावत, जया, अमित सिंह तोमर, पूजा। लिंक सेंड करिए, कोई लिंक सेंड कर दो भाई इन्हें। नेक्स्ट, देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन जा रहा है ऊपर। ऋषभ गुप्ता ऊपर पहुंच जाएंगे। हम एग्जाम का चीला पहुंच गया ऊपर गजब भाई। अच्छा पाल भाई हैं, चलो बढ़िया यार, सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं जाके menti.com पे, और यूज कर सकते हैं कोड 625949, 625949 कोड यूज करते हैं। ऊपर लिखा भी आ रहा है भाई साहब। चलो स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा टाइम ज़्यादा दे दिया मैंने आपको इस बार। 25 सेकंड सही था वैसे। चलो कोई नहीं, जिन स्टूडेंट को ज्वाइन करना है वो जाके कर सकते हैं menti.com पे, और यूज़ कर सकते हैं कोड 625949। टाइम्स अप। तो 93 लोगों ने सी आंसर दिया है, और सी ही करेक्ट आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, अगली बार से दे देंगे।
कोई नहीं, सीखने के लिए सही है अभी, नहीं अभी सही है, फिर उसके बाद मैं टाइम घटा दूंगा, क्योंकि अभी आपको आइडिया हो जाएगा ना कैसे काम करता है ये। हाँ तो ऋषभ गुप्ता सबसे ऊपर चल रहे हैं, और पूजा भी चल रही है तो सही है, और कोई लड़की नहीं है, शिवानी भी है, चलो दो लड़कियां भी हैं टॉप 10 में जो आपको पूरा कंपटीशन दे रही है। हाँ टाइम को हम कम कर देंगे, अभी तुम सीख लो पहले, क्योंकि ये सीखा नहीं जा रहा स्टूडेंट पे, बोलते हैं सर टाइम निकल जाता है ऐसे ही। आज YouTube वाले जो स्टूडेंट उनको दिख रहा होगा, भाई मेहनत करिए इस चीज़ पे कि तुमको दिखे YouTube पे भी। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर YouTube पे दिखता ही नहीं है, क्या आंसर है इसका? क्विक लीजिए, जितने जल्दी आंसर दोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, फास्ट नंबर मिलेंगे और टॉप 10 में अपने आप आ जाओगे आप। तो डी करेक्ट आंसर है इसका। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट ने दिया, बहुत गलती करी है इसमें तो भाई। हाँ ऋषभ गुप्ता तो उससे ऊपर रहने वाले हैं भाई। हाँ सर, नहीं सबके समझाऊंगा मैं, आंसर सबके सबके दूंगा आपको, ठीक है, सारा सॉल्यूशन दूंगा इस पूरे पूरे टेस्ट का, पहले आप टेस्ट को करिए। तो ऋषभ गुप्ता सबसे ऊपर आ गए हैं, और जया ने सबसे तेज आंसर दिया है फास्ट टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ मजा आ रहा, नहीं आ रहा आप सभी को? अमित भाई 2 पे, अच्छा अमित भी है, चलो कोई नहीं, सबका दिन आता है, जिनके नंबर पहले नहीं आए थे उनका नंबर आने लगे हैं, तो वही हर दिन नया होता है, आप मेहनत करोगे तो आपका अभी आएगा दिन। अब जो स्टूडेंट टॉप 10 में पहुंच गए उनको पता है। क्विकली आंसर देंगे, क्विकली क्विकली क्विकली। वन 130 स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं लाइव, बहुत बड़ी बात है भाई ये कि 130 स्टूडेंट लाइव टेस्ट दे रहे हैं। चलो, और आपको दिख रहा है कि आपका कंपटीशन किन लोगों से है, तो बिल्कुल ही मतलब कांटी टक्कर हो रही है 47 और 48 में, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है फिर। सी करके आंसर है वैसे, देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन राज कर रहा है अब। अमित सिंह, तोमर, तोमर और ऋषभ गुप्ता, ये दोनों भाई साहब नींद नीचे उतरेंगे अब। ओके हितेश गर्ग आ गए, फास्ट दिया उन्होंने, ऋषभ गुप्ता से ऊपर है, अमित सिंह तोमर और पूजा नीचे आ गई है, कोई नहीं, रमोला भाई साहब भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट नए आए उनको बता देना चाहता हूँ, आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव क्विज का, जाग के menti.com पे, और वहाँ पे जाके कोड यूज़ कर सकते हैं 625949, और आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। टाइम्स अप, टाइम्स अप, तो देखते हैं करेक्ट आंसर। 71 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, ये गलती वाले बहुत हैं यार, 48, 7, 9, क्यों क्या हो गया, क्यों गलती कर रहे हो भाई साहब इतनी। चलो देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन जा रहा है आगे। लीडर बोर्ड पे ऋषभ गुप्ता तो ऊपर बैठ गए हैं, चढ़ गए, ये कह रहे हैं मैं हटूंगा ही नहीं ऊपर से, आप कितनी कोशिश कर लो मैं ऊपर से हटूंगा ही नहीं।
अच्छा है चलो। ऋषभ अमित सिंह तोमर भी नंबर टू पे, एग्जाम नितेश गर्ग एंड डॉक्टर एविल और पूजा जया दोनों टॉप 10 में है पर नीचे से हो गए हैं। कोई नहीं, मैथ के ऊपर आ जाओगे तुम भी। कोड है आपका 625949। पूरा टाइम दिया मैंने आप, कल से मैं आपको जो दूंगा अगली बार 25 सेकंड दूंगा, क्योंकि ये टाइम ज्यादा है। बस ये है कि सीखना आना चाहिए आपको, सीख लो पहले से अच्छे से। प्रखर तो क्यों हो गए भाई किकआउट तुम? अच्छा चलो प्रखर बात करते हैं भी, पहले आप टेस्ट दे लो ढंग से फिर बात करते हैं। चलो ऋषभ अमित सिंह तोमर ऊपर बैठ गए, कहे हम नहीं हटेंगे कुछ भी हो जाए। तो टॉप 4 का मैं नाम लेता हूँ, ऋषभ गुप्ता, अमित सिंह तोमर, एवर का चेला पाल, हितेश गर्ग एंड डॉक्टर एवल। चलते नेक्स्ट पे। कोई बात नहीं अदनान जी, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैथ करो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी करो क्विकली। टाइम ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब सीख लो आप कैसे करना है, फिर अगली बार से आपको पूरा चलेगा। तो होगा ना सर, तो होगा ना सर, मतलब क्या ये नोट क्या है? तो नाइन्टी स्टूडेंट ने इसका आंसर सी दिया है और देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन राज कर रहा है इस टाइम। और ये अब एग्जाम का चेला गया नीचे, ऋषभ गुप्ता और अमित सिंह तोमर ऊपर ही है और हितेश का सबसे ऊपर चल रहे हैं, पूजा और जया वो नीचे ही है, तो भाई साहब ऊपर आओ तुम भी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो मजा आएगा इसमें, आपको एक प्रेशर फील होगा कि एग्जाम में जो प्रेशर फील होता है। पास कोड जो है वो आपका 625949 आपका पास कोड है, उसको आप यूज कर सकते हैं। चलो 136 स्टूडेंट ने पहले जवाब दे दिया, 18 सेकंड पहले ही जवाब दे दिया। द सिलिका इन पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी पूछा आपसे, 140 स्टूडेंट अभी लाइव दे रहे हैं, बड़ी बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने आज। चलो देखते हैं कि टाइम सब हो चुका है और जिन स्टूडेंट ने बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है और 73 स्टूडेंट ने दिया है और 3912 ने गलत आंसर दिया है, तो आपको देखना होगा कि आप गलत दे रहे हैं सही दे रहे हैं। ठीक है देखो बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर आते हैं फिर भी वो जल्दी माजी चक्कर में गलत कर रहे हैं। ठीक है अच्छा प्रखर, प्रखर चलो बात कर लेता हूँ मैं, बात कर लूंगा और बता दूंगा आपको, है ना? वो आपको ऐसा मत करा करो यार, पढ़ाई करते हो वहां पे तो पढ़ाई करा करो, ये बकवास करते रहते हो तुम सब फालतू की। कोई आपको बोल रहा है उल्टा सीधा तो आप भी बोलोगे उसको, फिर ग्रुप में वो सब स्टूडेंट भी होते हैं।
अमित सिंह तोमर, ऋषभ गुप्ता तो ऊपर बैठ गए, इनको कोई हटाने वाला है? अमित सिंह तोमर ही हटा सकते हैं इनको ऊपर से। चलो अब देखते हैं, सुम रमोला एवं का चेला बिल्कुल लास्ट में, और पूजा अब चढ़ ऊपर आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ लाइक तो कर दो यार, लाइक लाइक नहीं करेंगे कुछ भी। हाईएस्ट रैंक 68 है मेरा आज। कोई बात नहीं प्रांजल जी, देखो वही है कि आपको सब आता है, बस आप थोड़ा मैनेज मैनेज रखिए, है ना, प्रेशर को झेलना सीख जाइए, अपने आप ही चीजें क्लियर होने लगेंगी। आज दिन नहीं है, कोई बात नहीं दिन भी आ जाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। देखो क्या है, जिनका पे नहीं हो रहा है तो वो टेंशन ही लेनी है उनको। ओके, तो हर सैटरडे को आपकी क्विज होती है, और वो क्विज का टाइमिंग आपको 9 बजे रहेगा, सुबह 9 बजे। ये आपकी लाइव क्विज होती है सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये है भी गलत। देखते हैं जितने स्टूडेंट ने जवाब दिया है, तो 59 ने आपका आंसर दिया है बी, और 57 ने आंसर दिया है ए। तो आंसर क्या है, आंसर आपका बी करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं बता दूंगा आपको, सबके सॉल्यूशन भी दूंगा, टेंशन मत लो, सबके सॉल्यूशन भी दूंगा मैं आपको। देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन जा रहा है। ओके, तो अमित सिंह तोमर नीचे जाते हुए, ऋषभ गुप्ता तो ऊपर बैठ गए, वो नहीं हटेंगे, वो नहीं हटेंगे। हाँ अगला टॉपिक बता दूंगा मैं आपको, और बता दूंगा वो भी। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। आसान क्वेश्चन है ये, तो सबको करना आना चाहिए यार। नहीं नहीं बेइज्जती नहीं होगी, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है, और ऋषभ गुप्ता ऊपर ही है, हितेश गर्ग सेकंड नंबर पे, और ये अमित सिंह तोमर 4 नंबर पहुंच गए हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। सर दिख नहीं रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा आपको, क्या हद कर रहे हो यार तुम तो, इसमें भी नहीं दिख रहा आपको। वॉट इज राइट आंसर, 140 स्टूडेंट ने जवाब दे दिया इसका। तो टाइम ज्यादा रखा है मैंने आज, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट को समझने थोड़ी दिक्कत होती है कि सर कैसे देना है आंसर, सर यहीं पे ज्वाइन कैसे करें। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटी डॉट कॉम पे जाना है आपको, MENTI मेंटी डॉट कॉम। हाँ क्विज में हो रहा है क्या? हाँ ये क्विज आप ऐप में, हाँ ये वेबसाइट पे हो रहा है। चलो तो 132 स्टूडेंट ने आंसर दिया है, और ए ही करेक्ट आंसर है इसका। बहुत बढ़िया, तो आप मेंटी डॉट कॉम पर जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं कोड 625949, ऊपर लिखा हुआ है कोड, इसको यूज कर सकते हैं 62। नेगेटिव मार्किंग भी कर दो, नेगेटिव, चलो नेगेटिव कर देंगे अगली बार से। ओके, तो भारत गुप्ता नहीं हट पाएंगे अब तुम सबसे, हितेश गर्ग से कर सकते हैं थोड़ी उम्मीद। तो आप आवाज को बंद कर दो ना मनदीप कुमार जी, तो आप अपने आप भी कर सकते हो, आवाज बंद कर दो, मत सुनो मेरी आवाज।
पासवर्ड है आपका 625949। अब अच्छा अम्बरीश गौतम तो बी, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर जो दिया है बी करेक्ट दिया है। देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन ऊपर जा रहा है, लीडर बोर्ड पे कौन ऊपर जा रहा है। बहुत ही कार्य टक्कर है, सबने सही जवाब दिया भाई, ग्राफ चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। चलते हैं, पास कितने पर है? टॉप 10 ही दिखेंगे, जो नीचे के हैं वो दिखेंगे ही नहीं। टॉप 10 में लाओ अपने आप को। अच्छा और भैया साथ में लाइक भी कर दिया करो, वॉचिंग ज्यादा जाते हैं और लाइक कम जाते हैं, लाइक तो कर दिया करो वीडियो को। डी 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 सबका डी आ रहा है, करेक्ट है। चलो 98 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, डी करेक्ट आंसर दिया है। और सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन जा रहा है ऊपर। ऋषभ गुप्ता मुझे लगता है नीचे हो जाएंगे अब, और ये हितेश का नंबर 1 पे आ जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो हितेश गर्ग सबसे ऊपर पहुंच गए हैं और ऋषभ गुप्ता 4th नंबर पे, बहुत देर से ऊपर चल रहे हैं। सर टेस्ट कहाँ पे चल रहा है? ये ऊपर लिखा हुआ तो आपका menti.com पे जाना है आपको वेबसाइट, और यूज करना है कोड 625949, 625949 कोड को यूज करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं रजनीश जी, कोई बात नहीं, ठीक है वो तो करेंगे, कोई ना कोई करेगा ही यार, जो जलते हैं हमसे वो तो करेंगे ही। हाँ पासवर्ड भी ऊपर लिखा हुआ है, वही तो बोल रहा हूँ मैं, पासवर्ड भी, वो वेबसाइट दोनों लिखी हुई है, फिर भी आप पूछते हो, जैसे कि आप छोटे बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चे नहीं होते, वो भी आपसे ज़्यादा बेटर होंगे कि उनको पता होगा कि ऊपर लिखा हुआ है। सबने जवाब दे दिया इसका तो, ओ माई गॉड, 140 स्टूडेंट ने पहले आंसर दे दिया, तो टाइम ज़्यादा है वो मानता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ, बट अभी आज कर लो, फिर उसके बाद मैं आपका टाइमिंग घटा दूंगा ऐसे ही धीरे धीरे, तभी तो गलतियां होंगी, आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टाइम की वजह से, भड़कती आत्मा है जाती है डिसलाइक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो तो है। तो सी स्टूडेंट ने, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, तो डी करेक्ट आंसर बता रहा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने आपका आंसर लगाया है, तो 15 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, आप देखते हैं सी स्टूडेंट आंसर बता रहे हैं, ये गलत तो नहीं इसका आंसर, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, चलो चेक कर लेंगे कोई बात नहीं, अब सब कहाँ से गलत आ रहा है, अमित सिंह तोमर ने आंसर सही दिया है, सी होता है सर, सर सी होता है, कोई बात नहीं, अब हो गया है हो गया, अब क्या कर सकते हैं सी होता है, चलो कोई नहीं अच्छा सी होता है, हाँ क्वेश्चन भी नहीं देख पाया मैं तो, चलो कोई बात नहीं, अब 1 नंबर आपके ज़्यादा है, ज़्यादा अब किस्मत है, क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, नॉट यूज लिखा हुआ था उसमें, पढ़ूंगा चलो क्वेश्चन को मैं, द ओवर मैच्योरिटी इन द अनवेंटिलेट स्टोरेज द वुड ड्यूरिंग द ट्रांजिट इज कॉल्ड, द डिफेक्ट्स कॉज ड्यू टू द ओवर मैच्योरिटी एंड द अनवेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ द वुड ड्यूरिंग इट ट्रांजिट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको,
नॉट, रिंड गैल है ये, रिंग नहीं है, रिंड गैल है, और फॉक्सीनेस एंड द हार्ट शेक, बोलेंगे क्या आंसर होगा इसका? कुछ भी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। रमोला भाई साहब यहां गए हैं वहां से देखे भी। ये था वो क्वेश्चन सर। अच्छा, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एरिएट फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके चलो मैं चेक कर लूंगा, फिर मैं आपको सही आंसर दूंगा, ठीक है? जो गलती होगी उसमें मैं आपको सही आंसर दे दूंगा फिर बाद में। बस आपकी, हाँ, मैक्सिमम एक्सीडेंट लिमिटेड 20 mm होता है, बिल्कुल सही बात। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो 101 स्टूडेंट ने आंसर दिया है सी। अमित सिंह तोमर भाई साहब ऊपर पहुंच गए आप। चलो, और हमारे ऋषभ गुप्ता कहाँ पहुंच गए? कोई नहीं, एक गलत क्वेश्चन हुआ तो ऋषभ, अमित सिंह तोमर ऊपर पहुंच गए हैं। बढ़िया भाई, किस्मत सही है लड़के की। नेक्स्ट, द कोज डिफेक्ट टू इम्परफेक्ट सीजनिंग इज कॉल्ड। जो स्टूडेंट नया है वो भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं, जा सकते हैं menti.com पे और यूज कर सकते हैं कोड 625949। सबका सी आ रहा है। तो हनी कॉम्बिंग होती है आपको पता ही है डिफेक्ट्स में। चलो टाइम हो रहा है, मैं बोलूंगा नहीं कुछ, नहीं तो आपका हनी कॉम्बिंग। ए बोल रहे हैं, वेट रूट नहीं बनते हैं, रूट नहीं बनते हैं भाई साहब। टाइम्स अप। तो 57 स्टूडेंट ने सी आंसर दिया, इसमें गलतियां बहुत करी हैं यार। 34, 33 का क्या करूं मैं? चलो कोई नहीं, अब गलती करी है तो भुगतो अपने आप, लीडर बोर्ड से बाहर हो जाओगे। अच्छा ओके, अमित सिंह तो अमर ऊपर ही है, और रमोला भाई साहब भी हैं, और नारायण वर्मा, पूजा भी चल रही है, और अमित सिंह तोमर, डॉक्टर आविल, सचिन यादव, ऋषभ गुप्ता एंड हितेश गर्ग। तो भटकती आत्मा ज्ञान नहार बाद में लेते, माना कि आप पूरी रात जगी होगी आत्मा जी, बट अभी ये सुबह हुई है, थोड़ा और थोड़ा जग लेते। द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ अ पेंट इज एल्कोहल, ड्रायर, ऑयल एंड द पिगमेंट। हाँ तो डी करेक्ट आंसर है इसका, जो चीफ इंग्रेडिएंट होगा फाइनली गोट है 100 रैंक। वाह कोई बात नहीं, 100 तो डी करेक्ट आंसर है इसका। वैसे सी नहीं है, जो स्टूडेंट सी बता रहे हैं, चीफ इंग्रेडिएंट आपका पिगमेंट ही होता है जो कलर देता है। अमित सिंह तोपमर और ऋषभ गुप्ता बोल से नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाओ नीचे जाओ। ओए होए, रनिंग सनिंग बॉडी बना। टेस्ट कहाँ से देना है? जो विकास जूनियर स्टूडेंट है बता देता हूँ मैं उनको, आपको जाना है menti.com पे और यूज करना है कोड 625949, 625949 कोड यूज करके आपको करना है, ठीक है? वहां पे जाके आप दे सकते हैं टेस्ट को, दे चुके हैं पहले स्टूडेंट सब कहाँ से।
देखते हैं कितने स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है इसका। 85 स्टूडेंट ने भी आंसर दिया है। अब रैंक डाउन करने का टाइम आ गया है। ओ माय गॉड, चलो अभी बहुत टाइम है, कर सकते हो आप। अच्छा सही जवाब तो अपने आप को पहुंच जाओगे। सॉरी सर, लेट हो गया थोड़ा सा। 94। अच्छा जी, चलो बढ़िया है भाई। विवेक भाई साहब, वीवी आप ही हो सर। नेक्स्ट क्विज कब है? ओके चलो अभी तो इसे तो पूरी कर लो। अमित सिंह तोमर सबसे ऊपर पहुंच गए हैं भाई साहब, लड़का छा रहा है आज। हाँ 25 पहले देने से या राइट देने से? हाँ पहले देने से आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, पहले राइट देने से। टाइम सर 20 सेकेंड रखो। हाँ अगली बार से वही करेंगे। डन। अभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता चीज़ों को, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया था पिछली बार से। द लिंसेड ऑयल इन द पेंट इज यूज एज बेस, थिनर, करियर एंड द पिगमेंट। ओके तो लिंसेड ऑयल से पेंट इज यूज एज, तो लिंसेड ऑयल होते हैं वो पेंट के अंदर क्या कितने यूज किए जाते हैं। टाइम्स अप। 74 स्टूडेंट ने बी आंसर दिया है। कुछ आंसर गलत लग रहे हैं मुझे इसमें, कुछ आंसर गलत लग रहे हैं भाई। सॉल्वेंट एंड द थिनर। चलो जो गलत हो गए बता दूंगा वैसे आपको सर। मेरा क्विज स्टॉप हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। सी आंसर बता रहा है यार ये। हाँ थिनर होगा वैसे। अमित सिंह तोमर रॉन्ग आंसर, ये तो सही है। नेक्स्ट का बी पिगमेंट था। चलता हूँ नेक्स्ट पे। मैं टॉप 10 में सर, इसमें जल्दी देना है या राइट देना है? जल्दी भी देना है और राइट भी देना है, दोनों देने हैं। जो आंसर आपके गलत, जब सही आंसर दिखाते हो उसके बाद सारे ऑप्शन रिपीट किया करो। नहीं अभी नहीं करूंगा मैं रिपीट, अभी मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, वहीं पे करना है, रिपीट नहीं करूंगा, बाद में आपको सबके आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। जो आंसर गलत होंगे उनका जवाब दे दूंगा मैं सही आपको। द पेंट विच हैज अ हाई रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, पेंट जिसमें आपका रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हाई होती है वो कौन से होंगे? सेलुलोज पेंट, केसिन, ब्रॉन्ज पेंट एंड द इनेमल पेंट। बोलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा पेंट आपका होगा जिसका रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। 1.08 सेकंड में आंसर दिया है। अच्छा जी चलो बढ़िया है सर, ऑप्शन रिपीट किया करो ना सही आंसर दिखाने के बाद। नहीं वो लाइव चलता है ना तो वो रिपीट नहीं होता है फिर। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रॉन्ज पेंट। इनेमल पेंट का रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी जैसे भी ज्यादा होता है, इनेमल पेंट से भी ज्यादा होता है ब्रॉन्ज का, ये बात ध्यान रखना। तो ब्रॉन्ज सबसे ज्यादा होता है। जो स्टूडेंट गलत बता रहे हैं उनका गलत हो गया होगा, 50 स्टूडेंट गलत हो गया वैसे। तो लड़की भी है एक पूजा जो टॉप 5 में आ गई है अब, और ऋषभ गुप्ता टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। कोई नहीं, मेहनत करो ये टॉप वाले, अपने आप आ जाओगे ऊपर। जल्दी आंसर दो, सही आंसर दो सर। गलत होने से रैंक घटती है। हाँ भाई घटती है, ऑब्वियसली घटेगी यार, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। सोहेल भाई साहब क्या आप गलत आंसर दोगे? हाँ सर एक लेक्चर प्रिंट पर ले लो आप। ठीक है डन, अगली बार ले लेंगे। शर्मा जी, सलमा जी की बात कैसे टालेंगे हम। द स्प्रिट वार्निश कंसिस्ट ऑफ, जो स्प्रिट वार्निश होते हैं वो क्या करेंगे?
नहीं, ईएस लेवल का नहीं है क्वेश्चंस, वो आपका जेई और ए लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, ईएस के तो यही नहीं कराते हैं। स्प्रिट वॉर्न इज कंसिस्ट ऑफ स्प्रिट एंड द वैक्स, स्प्रिट एंड द शैलिक, टर्पेंटाइन, स्प्रिट एंड द वैक्स, टर्पेंटाइन, स्प्रिट एंड द शैलिक, जो आप देंगे बोलिए। द स्प्रिट वॉर्निश कंसिस्ट ऑफ, जो आपका स्प्रिट वॉर्निश होगा वो क्या कंसिस्ट करेगा, स्प्रिट इन द वॉक्स वैक्स करेगा, स्प्रिट इन द शैलिक, टर्पेंटाइन करेगा। तो जो स्प्रिट वॉर्निश होते हैं उसमें सिर्फ स्प्रिट एंड द वैक्स होता है, स्प्रिट वैक्स एंड स्प्रिट एंड द शैलिक। तो जो स्टूडेंट टर्पेंटाइन, स्प्रिट वॉर्निश में कभी भी टर्पेंटाइन यूज नहीं करते हैं, टर्पेंटाइन कहां पे यूज करेंगे, ऑयल पेंट में यूज करते हैं। ठीक है, दो स्टूडेंट सी लगा रहे हैं, सर सॉल्यूशन रॉन्ग कैसे मिलेगा। 47, ठीक है। तो जो स्टूडेंट आंसर लगाए ए, और बहुत सारे स्टूडेंट ने 50 आंसर भी लगाया, तो टर्पेंटाइन यूज नहीं करते हैं हम, जो डी लगा रहे हैं उनको बताना चाहता हूं मैं। सर एक सारे सब्जेक्ट का पेपर लो, हाँ पहले ये कर लो फिर सारे सब्जेक्ट कर लूंगा। आशुतोष कुमार चौबे विवि आ गए हैं भाई, सही है भाई, चलते नेक्स्ट पे। तो यार पढ़ना पड़ेगा शर्मा जी, बिना पेंट के नंबर नहीं आएगा भाई, जो चीज़ आसान है वही छोड़ के जा रहे हो आप। सर टेस्ट, अच्छा टेस्ट सीरीज का देख ले, मनीष गुप्ता जी अभी टेस्ट सीरीज का यार चल रहा है वो, इसलिए तो मैं आपके टेस्ट ले रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। जब तक आपकी जो टेस्ट सीरीज बनेगी नहीं, तब तक आपका ये ही चलता रहेगा ऐसे ही, तो आप यहाँ भी टेस्ट दे सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेन यूज द पेंट हैव अ सिंथेटिक पिगमेंट, स्टुको पेंट कंटेन द पॉलीविनाइल एसिटेट, द सॉल्वेंट यूज द डिस्टेम्पर इज टर्पेंटाइन। तो हर ऑल ऑफ द अबव का आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है, जो स्टूडेंट डी दे रहे हैं वो बहुत बड़े वाले निकम्मे हैं। ठीक है, डिस्टेम्पर में कौन सा टर्पेंटाइन यूज करते हैं यार, तुम भी हद ही कर रहे हो कतई। लो होने थे गलत, हो तो मुझे पता था गलत हो गई। सर दो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, हाँ वो तो पड़ेगी ऑब्वियसली यार, या आप वहीं दे लो आंसर, बाद में चेक कर लेना यूट्यूब पे। ओके तो अब करो गलती, अब हम क्या कर सकते हैं, गलती तो करोगी, डी वाले मान जाओ, टर्पेंटाइन थिनर होता है, टर्पेंटाइन यूज नहीं करते हैं हम डिस्टेम्पर में, जो थिनर यूज किया जाता है डिस्टेम्पर में वाटर होता है। अपनी गलती आपको खुद पता चल जाएगी क्या गलती आ रही है। तो अमित सिंह तोमर को तो हटाना मुश्किल ही हो गया, बहुत नंबर लेके बैठे हैं, 24,646 नंबर है भाई इनके पास। नहीं नम्रता देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं देख रहे हैं। नम्रता जी बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। ठीक है, यदि आपको ये क्विज को साथ में करना है तो आप यूज कर सकते हैं menti.com, और कोड को यूज करना है 6259 और 49। हाँ स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डोलोमाइट मिनरल सेडिमेंटरी रॉक इज, जो डोलोमाइट मिनरल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, ये पूछा गया आपसे। बोलिए तो डोलोमाइट मिनरल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स किसके मिलके बने होते हैं, जवाब दीजिए जल्दी, क्विकली जवाब, बहुत कम स्टूडेंट दे रहे हैं आप, 132 ही दे रहे हैं। तो 76 स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है, और सी ही इसका करेक्ट आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं देखते हैं कौन जा रहे हैं लीडर बोर्ड। अभी बचे हुए क्वेश्चन आपकी, आप टॉप 10 में पहुंच सकते हैं, इतने क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। हाँ हर हर दिन आपका क्विज का कोड अलग अलग होगा, वो आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है वेबसाइट पे ही, और आपके यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में, नहीं सिर्फ सैटरडे को चलती है क्विज। भाई समित को कोई, हाँ ऊपर से हटाओ यार, कोई और आओ, सचिन यादव आ रहे हैं अब, चलो धीरे धीरे, और वीवी भाई साहब आओ तुम भी यार, फास्ट आंसर दे रहे हो जल्दी। ठीक है कम्युनिटी में डाल, कम्युनिटी में डाल देते हैं हम एक दिन पहले ही।
जो टाइमिंग है वो आपका 9 बजे का है, रोज 9 बजे। हाँ सर, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल कोड लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, फिर भी आप पूछते हो। इसको सब कर देंगे और जल्दी कर देंगे, बढ़ा रखा है मैंने आपको। इसमें टेस्ट ऑफ अ स्टोन इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मैटर। अब बी भी बता रहे हैं कुछ स्टूडेंट, अब बी वालों का क्या होगा? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं स्मिथ टेस्ट से, कहाँ पढ़े हैं ये? कुछ नए वाले लग रहे हैं मुझे। तो 102 ने ए आपका ए आंसर दिया है और ए ही करेक्ट आंसर है। तो ये 5, 6, 21 सालों का मैं क्या करूं? आई डोंट नो अबाउट इट। थोड़ा मेहनत करिए आप भी। धन्यवाद अदनान भाई साहब। चलो पूजा टॉप टॉप 3 में पहुंच गई है, वेरी गुड पूजा, ठीक है। और ये अमित सिंह तोमर एज वेल एज, जैसे ऊपर थे ऐसे ही हैं। और ये एग्जाम के चेले कहाँ पहुंच गए? ऋषभ गुप्ता नीचे पूछते जा रहे हैं, क्या हो गया भाई साहब तुम्हें? नेक्स्ट टाइम हटा देंगे। ओ माय गॉड, अवधेश मीना बोल रहे हैं हटा दो भाई हटा दो, बहुत देर हो गई इन्हें। बीसीडी वाले मेहनत, डोंट वरी। आपको आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, है ना? यदि आप गलती करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज योर मिस्टेक। और वो है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट गलत कर रहे हैं, जो टॉप कर रहे हैं उनको दिखा रहा हूँ, उससे आपका डिमोटिवेशन नहीं होना है। आपको अपना पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। बोलिए, द गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ, जो गन पाउडर है वो क्या कंसिस्ट करता है? अब जवाब दीजिए। अच्छा जी शर्मा जी, कोई बात नहीं शर्मा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो तुम गए हो। तो जो स्टूडेंट डी दिए हैं, डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 53 ने आपका आंसर दिया है ए, 53 स्टूडेंट ने आपका आंसर ए दिया है। वैसे जो करेक्ट आंसर है वो डी है, डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट करिए, देखते हैं लास्ट में कौन पहुंच पाएगा। नाइट आई नो गलत है सर, आई नो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो ये ना बिल्डिंग मटेरियल वाले सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इनमें यदि क्वेश्चन आता है तो कर दोगे, नहीं आता होगा तो गलत हो जाएगा। डॉक्टर एविल कौन है? आई डोंट नो, मुझे लगता है आप ही हो कामनी, डॉक्टर एविल। अब स्टूडेंट नाम तो बताते नहीं है अपना। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द करेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग द क्ले फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। ब्रिक को मेकिंग करने के लिए कौन सा स्टेप सही है? इसमें आपको जवाब देना है, पहले भी करा चुका मैं इस क्वेश्चन को, गलती मत करना इसको। ये गलत कर दिया तो यार फिर तो दिक्कत है। मैं चाहूंगा कि कोई कोई भी स्टूडेंट का आंसर आपका अलग नहीं होना चाहिए, सबका एक जैसा होना चाहिए। अब भी 5, 8, 3 बच ही जाते हैं यार। वैसे ही 116 स्टूडेंट ने आंसर ए दिया है और ए ही करेक्ट आंसर है इसका। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अमित सिंह तोमर ने आंसर दिया है 27345। कितनी देर और है टेस्ट यार, देर लो टेस्ट देने में कोई दिक्कत है? अच्छा उन जो स्टूडेंट टॉप 10 में नहीं हो रहे उनको उनको को दुख हो रहा होगा, 10 क्वेश्चन और बचे हैं।
शेखर घोष भाई साहब, सबने जवाब दे दिया है 128, दे नहीं पा रहे स्टूडेंट जवाब। अब उन लोगों को लग रहा है कि डी होगा या नहीं होगा, डी कहीं गलत ना हो जाए मेरा ये लग रहा है स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट ने आंसर दिया है डी, और डी ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डी सही नहीं हो सकता है, डी सही भी हो सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कब डी सही होना है कब नहीं होना है ना। कुछ स्टूडेंट ने आंसर अपना आंसर ही बदल दिया, उनको लगा डी नहीं होगा तो उन्होंने सी कर दिया। ओके, तो अमित सिंह तोमर अभी हटे नहीं है, और ये गुरु तमिल की एंट्री हो गई है, गुरु तमिल आपका टॉप 10 में आ गया है, गजब भाई। नहीं होते हैं वो से स्टूडेंट, पहले का मैंने बोला ना कि हर इस चीज का आंसर डी नहीं होता है, तो उन्होंने डी चेंज कर दिया अपने एकदम। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अर्थ ब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑपरेशन इन द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इम्पार्ट द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, मेक द ब्रिक डेंस एंड ड्यूरेबल, ऑल ऑफ दीज। आप करो ऐसे फिर डी मारेंगे द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अर्थ ब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑपरेशन ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इम्पार्ट हार्डनेस एंड द स्ट्रेंथ टू द ब्रिक। चलो अब बताइए व्हाट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग द टेलीस्कोप, सेम टू यू भाई साहब, जो भी बोल रहे हैं शुभ संकल्प दास जी, सेम टू यू, हम तो हैं ही भाई, हम तो मानते हैं हम हैं जो तुम बोल रहे हो, आप अपना बताओ। बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, बस वैसे ही पढ़ाने आ जाते हैं। चलो 123 स्टूडेंट ने आंसर दिया था इसका डी आंसर, वैसे इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, क्योंकि जो आपका मैन हम बर्निंग करते हैं वो सिर्फ आपका ड्यूरेबिलिटी नहीं बताते हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ आपकी हार्डनेस को बढ़ाता है, और पूरा पूरा जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका बर्निंग पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इनको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनको जादू दिखाना पड़ता है, तो उनको जादू दिखाना पड़ेगा, तो क्यों मानते नहीं है अपनी बात से, क्योंकि उनको उनकी उनकी लंका लगी हुई है। अब मैं कुछ और वर्ड तो यूज नहीं करूंगा नहीं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आप अपना करिए टेस्ट, इनको हम संभाल लेंगे, इनके लिए हम है ना, अभी इनको जाओ दिखाता हूँ। चलो हो गया जादू खत्म, अब बोलते रहो बस बस, अब जो बोलना है बिल्कुल इंतमिनान से बोलो, इत्मीनान से बोलो। शुभ संकल्प दास जी, अपना दासपना बाहर निकालिए अब, क्योंकि तो आपको मैंने दास ही बना दिया, अब बस आप ना करिए, इन सबको संभाल लेंगे हम, अब हमें हो गया है आलतीन सबकी, बीच बीच में कोई ना कोई आता ही है, इनको संभाल लेंगे हम, पहले गुस्सा होता था देख के, अब तो पता ही है मुझे, चूल तो होनी है यार लोगों को, ये क्या चल रहा है। द ब्रिक शो इन द फिगर इज कॉल्ड, कौन सा ब्रिक है ये, आपको जवाब देना है। बोलिए व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जवाब देंगे कि क्या आंसर है इसका, कि आप जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में आंसर में क्वेश्चन देख नहीं पाया हूँ। 54 और 59 स्टूडेंट ने आंसर बी दिया है, आप देखते हैं कौन स्टूडेंट जाता है टॉप पर। सबका गलत हो गया, ऋषभ गुप्ता का सही है, तो अमित सिंह तो वैसे टॉप पर ही है। हाँ, वही बात है ना, देखो क्या होता है ना कि जब लोग तुम्हारी बातें करें और तुमसे बोलें और तुम्हारे पे आए कमेंट करें, तो सोच लेना तुम बहुत आगे हो, तो वही चीज होती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा और आपको देना जवाब, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, गलत बात है, परसों ही करवाए हैं हाँ, परसों भी करवाया था कुछ, अच्छा ए ऑप्शन कराया था, ए कराया था, चलो मैं फिर देख लूंगा, एक बार देख लूंगा, हो सकता है कि उन्होंने आंसर गलत गलत टिक कर दिया हो, कोई नहीं कोई नहीं, मैं देख लूंगा।
मैं द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इज इन कॉर्ड गिवन बिलो एयर एंटनी पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ पे यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट को उसमें टाइम लगेगा इसलिए मैंने टाइम इसका 45 सेकंड दिया। इन क्वेश्चन के लिए सही है 45 सेकंड क्योंकि स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाएगा। कोई नहीं कोई नहीं, विवेक शर्मा जी मैं देख लूंगा उनको। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जवाब देंगे। और कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है सी, कुछ ने आपका दिया है डी, तो सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी ही करेक्ट आंसर है इसका, डी नहीं है, सी इज करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं कौन पूछ रहा है लीडर बोर्ड। अब क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है और देखते हैं कौन आगे पूछ पाएगा। ओ माय गॉड, अमित सिंह तोमर को हटा दिया भाई सचिन यादव ने। सही है भाई यादव जी, आप ऊपर पहुंच गए हैं। चैम्स, हाँ चैम्स फूड बोला था। अच्छा, उसमें ऑप्शन गलत दिया होगा उन्होंने, वही लगा दिया होगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा, सॉरी फॉर दैट कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है उसमें। सॉरी सॉरी, उन्होंने लगा दिया वो देख के टेक्निकल टीम ने। कोई नहीं ठीक है, थोड़ा लेट मिला था मुझे वाली फाइल आज इसलिए मैं देख नहीं पाया। कोई नहीं, आपको एक नंबर मेरी तरफ से। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली, हाँ चैम्स फोर्ड कराया था, बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं यार, बस ये क्या है, दो तीन क्वेश्चन होंगे गलत उनके, मैं आपको करा दूंगा क्लास में वो सही। वो एक्चुअली बुक में से उठाए हैं तो ऐसे ही ऐसे उठा लिया उनका आंसर भी, वो मैं चेक कर लूंगा। बोलिए व्हाट इज दिस क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो सीमेंट होगा वो किससे बना होगा, उसमें आपका कैल्शियम और सिलिका क्या क्या होगा, आपको ये जवाब देना था इसमें। तो 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड अबाउट 5% ऑफ, चलो आप जवाब देते हैं, देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन राज कर रहा है। कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन द और एग्जाम का चेला, नीचे पहुंच गए हैं, कुछ के आंसर गलत हो गए इसलिए वो नीचे पहुंच गए हैं। ठीक, धन्यवाद अदनान जी आपका, लव यू टू ऑल। ग्राफ, द हाई एलुमिनियम सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग टूगेदर मिक्सचर ऑफ, जो आपके हाई एलुमिनियम सीमेंट है वो कैसे बनेगा, करा चुका हूं ये आपका ईएस का क्वेश्चन है और जो आप देंगे सभी के सभी क्विकली। जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे जब तक चलेंगे, 50 क्वेश्चन है और अभी थोड़े से रो बचे हुए हैं उनको पूरा कर लेंगे। बोलिए व्हाट इज आंसर दिस क्वेश्चन, जवाब देंगे कि हाई एलुमिनियम सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड द बॉक्साइट। आपको पता है कि जिप्सम नहीं होता है, हाई एलुमिनियम सीमेंट के अंदर जिप्सम नहीं होगा। स्टूडेंट जवाब दे पाए, अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ने जवाब सही दिया है। बहुत गलत भी करा, 31 और 9 और 12, इनका क्या करूं मैं भाई, ध्यान से पढ़ो थोड़ी चीजें, हाई एलुमिनियम सीमेंट के अंदर जिप्सम होता ही नहीं है। ओके चलो अमित सिंह तोमर अब मुझे लग रहा है नीचे पहुंच जाएंगे। ओके नहीं नहीं थोड़ी पोजीशन है इनकी, शुभम रमोला जी आ गए हैं, आप शुभम रमोला बोल रहे हैं आई एम बैक, टॉप 10 में आ गए हैं और गुरु तमिल ऊपर चलने लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, इसको को जवाब देंगे। द एडिशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट इन द कॉन्क्रीट मिक्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो, डिक्रीज इन द वाटर सीमेंट रेशियो, इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, डिक्रीज। अच्छा सबसे फास्ट आपने दिया था, हाँ जी ले लिया गोपाल सोनी जी, आपका नाम ले लिया। बोलिए कैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट द एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द कॉन्क्रीट मिक्स रिजल्ट इन, जवाब देंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 आपके ये आपके एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जवाब देना आपको जल्दी जल्दी क्विकली जवाब देना। वो स्टूडेंट ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, कराऊंगा ऐसा कुछ, सारे का सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं क्लास में आपकी, जब भी आपकी कल परसों क्लास होगी उसमें कराए जाएंगे इनके डिटेल सॉल्यूशन। अभी आप देख लीजिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर ए लगाया और मैक्सिमम जो 65 स्टूडेंट ने आंसर बी लगाया और बी ही इसका कट आंसर है, बी इसका कट आंसर है। तो भाई ए वालों आपने थोड़ी गलती कर दी है, क्या गलती करी है आप चेक कर लेना, आप जब मैं आपको कराऊंगा डिटेल सॉल्यूशन।
चलो सचिन यादव जी ऊपर हो गए हैं और ये अमित सिंह तोमर को इन्होंने नीचे खींच दिया है, हितेश गर्ग ने। बढ़िया है भाई। अमित सिंह तोमर स्टार्टिंग में ऊपर चल रहे थे। चलो हायर वोटर सीमेंट रेशो इंक्रीज द रिजल्ट इन, जो आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट के जवाब देना है कि जो आपका वोटर सीमेंट रेशो हाई होगा तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मिक्स, बेटर वर्केबल मिक्स, ए वीक मिक्स, लेस ब्लीडिंग, ये पूछा गया आपसे। क्लास कब तक चलेगा नीरज शर्मा जी, पागल हो गए हो तुम, कर लो पूरे क्वेश्चन अभी। ठीक है, 88 रैंक है, कैसे इंक्रीज करूँ सर? ठीक है, जल्दी आंसर दो, क्विकली आंसर दो और सही आंसर दो, अपने आप ही रैंक बढ़ जाएगी। बोलिए, बोलोगे आपसे द हाईर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज इन द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मिक्स, बेटर वर्केबल मिक्स, अ वीक मिक्स एंड द लेस ब्लीडिंग। बोलिए, चल तो 55 स्टूडेंट ने आंसर बी दिया है और 46 ने आंसर ए दिया है, गलती बहुत हो रही है इन क्वेश्चनों में, तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई साहब। वो जो देखते मारते हैं उन क्वेश्चन तो कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, पर इनमें गलतियां हो रही हैं। हितेश गर्ग ने कर रखे हैं सब क्वेश्चन, उनको आता है सब। डॉक्टर एविल पहुंच गए हैं आपका, फास्टेस्ट आंसर उन्होंने दिया है, ऑप्शन रॉन्ग है। क्लास कब तक चली भाई, पागल हो गया, सही में पागल हो गया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट दो लिस्ट दी हुई है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको आंसर पूछा गया कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा आपका क्वेश्चन सही है। कॉलेज के सेशन स्टार्ट है, 2 और 3 होगा आंसर, आप क्वेश्चन पीछे नहीं दे सकते। दिस क्वेश्चन पूछ गया आपसे जो डेसिडुअस ट्री होंगे और कॉनिफर्स, एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस ट्री कौन कौन से होते हैं, वो आपको जवाब पूछा गया है। आपने वही वही सिलेक्ट करा होगा आपने, तो वही दिखेगा आपको। कामनी जी फोन पर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, आंसर कैसे करूं? चलो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया था इसलिए नहीं दिख पाया होगा आपको। मैथ्यू हेडन भी आ गए हैं, फास्ट आंसर मैथ्यू हेडन ने दिया है, और ये आपका विवी भी आ गए हैं, और सचिन पूजा तो है ही आपका टॉप 5 में, डॉक्टर एविल भी हैं। अच्छा ये भी गर्ल्स हैं, उन्होंने बताया मैं भी गर्ल ही हूँ, डॉक्टर एविल लिख दिया उन्होंने नाम। अब हम क्या कर सकते हैं, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जवाब देंगे। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय सॉइंग, ऑर्डर ऑब्टेन द स्ट्रॉन्ग टिम्बर, द कट शुड बी मेड बाय, सबसे ज्यादा जो आपका टिम्बर होगा वो स्ट्रॉन्ग मिलेगा, वो कौन से सॉइंग में कटाई करोगे आप तब मिलेगा, ऑर्डनरी, टेंजेंशियल, क्वार्टर एंड द रेडियल सॉइंग, ये पूछा गया क्वेश्चन में आपसे। बोलिए, तो कट आंसर होगा आपका रेडियल सॉइंग की जाती है, रेडियल सॉइंग इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस कट किया जाता है उसके अंदर से, तो जो कट आंसर होगा वो तो आपका डी होगा, और 74 स्टूडेंट ने डी आंसर ही दिया है, हैं? गलत क्यों आ रहे हैं क्वेश्चन यार। अच्छा बी दिया था आंसर, रेडियल, रेडियल में वेस्टेज कम होते हैं, कम होता है। कंफ्यूज्ड, चलो मैं देख लूंगा, कोई नहीं, कुछ क्या आंसर गलत है इसमें वो चेक कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, लिखा हुआ है आपका द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर ऑफ अ स्टेम ऑफ ट्री को क्या बोलते हैं? बी करेक्ट है, अच्छा बी करेक्ट है। बी करेक्ट आंसर है, चलो बढ़िया फिर सही है। दिख रहा है क्वेश्चन आप सभी को? दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर ऑफ अ स्टेम ऑफ ट्री क्या बोलते हैं उसको? वेस्कुलर टिश्यूज विच इज एनक्लोज द पिथ, ए सेलुलर टिश्यूज। अच्छा दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन, थोड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन, मोबाइल में दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। रोंग है, रोंग है, रोंग है, रोंग है, क्या रोंग है सर? साफ नहीं था क्वेश्चन, इसलिए कम स्टूडेंट दे पाए। कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन लाऊंगा कैसे, नहीं दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका बी है, वो बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, जिनको दिखा उन्होंने कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सर प्लीज। जूम नहीं हो सकता, देखो वो पूरा फॉर्मेट ही है उसका, जूम नहीं हो सकता वो। नेक्स्ट करेंगे, एक गेज मोर्टार इज ऑब्टेन बाय एडिंग विच द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट टू द सीमेंट। आपसे बोला गया है कि जो सीमेंट के अंदर आप गेज मोर्टार बनाते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? लिखा हुआ है सैंड स्टोन, सैंड एंड सुर्खी, सैंड एंड लाइम एंड द सुर्खी एलोन। ये तो सबको दिख रहा है, जवाब दीजिए इसका। सैंड प्लस लाइम बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, सैंड स्टोन, सैंड एंड सुर्खी एंड द सुर्खी अलोन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आपके पास बचे हुए हैं टाइम्स अप, कुछ नहीं बचा हुआ टाइम आपके पास। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है आपका बी, और बहुत सारे स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है, बट द करेक्ट आंसर इज सी। 64 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है इसका, 121 स्टूडेंट दे रहे हैं लाइव टेस्ट, पर इनका क्या करूं मैं, 46 वालों का और ये 10 और एक एक स्टूडेंट ने ये भी दिया है। चलो देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन जा रहा है ऊपर। चलो कोई चेंज नहीं है ऊपर, सचिन यादव ऊपर ही है, और मैथ्यू हेडन, विवी, ऋषभ गुप्ता, गुरु तमिल और रमोला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, दो लिस्ट आपको दी हुई है, पूछा गया आपसे कि जो आप एडमिक्सचर यूज करते हैं वो कौन कौन से होंगे। जैसे आपका वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज किया जाता है, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलेटर एंड द एयर एंटेनर एजेंट। इन क्वेश्चन के लिए टाइम सही है आपको, टाइम कम पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है साफ, दिख तो रहा है यार इतना साफ, ठीक है आप वेबसाइट पे जाके दीजिए ना, वहां दिख जाएगा क्वेश्चन आपको साफ। साफ नहीं है क्वेश्चन। सेवेंटी टू स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है, सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस सर, अब सही है टाइम, नेक्स्ट के सब्जेक्ट का टेस्ट लेंगे सर। चलो अब आपके लास्ट क्वेश्चन ही बचे हुए हैं दो तीन, उन पर देखते हैं कि कौन ऊपर पहुंच पाएगा। तो आपको अब थोड़ा तेजी से काम करना है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। नारायण वर्मा भी आ गए हैं टॉप 10 में, दो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलते हैं नेक्स्ट में, जल्दी करते हैं क्विकली। द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन ए सीमेंट पेस्ट, पूछा गया आपसे जो सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं सीमेंट पेस्ट में उनका क्या रोल होता है? डिस्पर्स द पार्टिकल, डिस्पर्स द पार्टिकल एंड टू रिमूव द एयर बबल्स, एंड द डिस्पर्स द पार्टिकल रिमूव द एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड द सेटिंग और रिटार्ड द सेटिंग। इसका आंसर सबको देना है यार, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सबको जवाब देना है इसका, सब दीजिए।
सब सब दीजिए। बी आंसर दे रहे हैं, बी वाले भाई साहब, बी वालों का क्या बोलूं मैं अब, जो बी दे रहे हैं मुझे लग रहा है वो पढ़े नहीं है हमसे अभी। करेक्ट जो आंसर है वो आपका सी है, सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो आपका डिस्पर्स द पार्टिकल सेटिंग को भी आपका बढ़ा देगा, तो सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेटिंग भी रिटार्ड करता है आपका, अब गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं हम। ओके नो चेंज। और यहाँ पे ऋषभ गुप्ता गुरु और ये विवि कहाँ गया, विवि तो हट गया यहाँ से भी लग रहा है। मैथ्यू एडेन, शुभम रमोला, ऋषभ गुप्ता, पूजा, फास्टेस्ट आंसर दिया पूजा ने। तो यार कब पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़े हैं तो यार पढ़ लो, एग्जाम आ लेगा कभी भी टाइम पे। और वही चीज ऐसी होती है टाइम पे नहीं होंगी बिल्डिंग मटेरियल। बोलिए, द सुर्खी इज एडेड टू द लाइम मोर्टार टू प्रिवेंट द श्रिंकेज, डिक्रीज द सेटिंग टाइम, इंक्रीज द बल्क, बल्क डेंसिटी होगा ये, इम्पार्ट द हाइड्रोलोसिटी। ये करिए को सब कर सकते हैं। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जवाब देंगे कि सुर्खी इज एडेड टू द लाइम मोर्टार, जो सुर्खी को हम ऐड करते हैं लाइम मोर्टार में वो हमें क्या करता है, तो इट इज इम्पार्ट द हाइड्रोलोसिटी, वाटर को ऐड करता है ये, हाइड्रोलोसिटी को देता है। टाइम अप, टाइम्स अप। बहुत सारे स्टूडेंट ने, 66 स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है। ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर, जो आपका सुर्खी होगा वो इम्पार्ट करेगा हाइड्रोलोसिटी। तो अच्छा क्वेश्चन था यार, फिर भी गलत कर दिया आप। हितेश गर्ग टॉप पे पहुंच जाएंगे अब, हितेश गर्ग नीचे वाले, ऋषभ गुप्ता भी ऊपर, ये सब ऊपर पहुंचेंगे अब। बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर दिया इन्होंने, अब सचिन यादव टॉप पर ही पहुंच रहे हैं, वर्मा जी भी आ गए हैं। फास्टेस्ट जो आंसर दिया वर्मा जी ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कंसर फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, डिपिंग, ब्रशिंग, स्प्रेइंग, प्रेशर इंपर्जेंशन एंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। जब आप प्रिजर्वेशन करते हैं तो इनमें से आपको पूछा गया है कि डिक्रीजिंग रेट ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस कौन सा है। वन टू एंड थ्री बोल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है भाई साहब, ये इससे कम, इससे कम, इससे कम, ये गलती मत करो यार। जिसने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होगा गलत हो गया होगा उसका। अब देखते हैं व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या आंसर है इसका सही, तो सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सी ही इसका सही आंसर है। और 53 स्टूडेंट ने आंसर सही भी दिया है, मैंने पहले ही बोला था गलत होगा, तो गलती करोगे आप, ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन को। लो अमित सिंह तोमर आप पहुंचने वाले हैं टॉप पर, मुझे लगता तो ऐसा ही है, 940 हो गए इनके, या हितेश गर्ग टॉप पे पहुंच गए हैं, गजब भाई। और गुरु तमिल ने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया है, और आशुतोष कुमार चौबे आपके टॉप 10 में आ गई है इनकी एंट्री। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, मैं फिर टॉप 10 में, रजनीश चौबे, द कंसिडर फॉलोइंग स्टैंड पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्ट्रेंथ कौन करके बात चली जा रही है, द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस स्ट्रेंथ। बोलिए कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ रहेगी क्यूब में या फिर सिलेंडर में, स्प्लिट में, या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर में, जवाब देंगे। अब तो खत्म हो गया भाई हिमांशु जी, अब आइडिया क्या करोगे तुम, 9 बजे का टाइम था आपका, ठीक है ये टाइम फिक्स है, 9 बजे आपका हर सैटरडे को होया करेगा क्विज। बोलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जवाब देंगे। तो अब बहुत कम स्टूडेंट ने जवाब दे पाए हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट जवाब दे पाए हैं।
तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है आपका 48 स्टूडेंट ए आंसर दिया है और 45 स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मॉडुलस ऑफ रप्चर में या फिर स्प्लिट वाले में कौन ज्यादा होगा। तो यदि आपने पढ़ा होगा आरसीसी ढंग से तो आपको पता होगा किसमें ज्यादा होता है, क्योंकि भाई बताए भाई ये तो पता है क्यूब में ज्यादा होता है सिलेंडर से, पर ये नहीं पता है कि स्प्लिट में ज्यादा होगा फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर ज्यादा होगा। ओके तो ये है आपका लीटर बोर्ड और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और पूछा गया आपसे दैट टेस्ट ऑफ सीमेंट पेस्ट डिटरमाइन द इनिशियल फाइन सेटिंग टाइम आर डन एट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, लो हीट सीमेंट हैज अ हाई परसेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या ये तो आसान क्वेश्चन है, देखते ही मारो इसे। तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है आप सभी ने यार, एलिमिनेशन मेथड से कर दो इसे। कुछ का डी भी आ रहा है, कुछ का बी भी आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी है इसका, क्योंकि दो वाला नहीं होता है। आपको पता है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नहीं होता है, C3A नहीं होता है आपका लो हीट सीमेंट में, बहुत कम होगा वो। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन जा रहा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसमें जो आपने कर दिया होगा सही तो वही टॉप पे पहुंच जाएगा। अब अमित सिंह तोमर आ गए हैं, आपका सचिन यादव ने टॉप कर दिया है 36799 पॉइंट के साथ। जो सचिन यादव जी हैं वो टॉप कर चुके हैं। ओके और जो सेकंड नंबर पे अमित सिंह तोमर, थर्ड नंबर पे हितेश गर्ग और फोर्थ नंबर पे पूजा ही है, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर है वो ऋषभ गुप्ता, गुरु तमिल, डॉक्टर एविल, मैथ्यू हेडन, शुभम रामोला एंड द नारायण वर्मा जी। ओके तो कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन यादव जी, आपके सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर सही हो गए। तो सबसे ज्यादा अगर आपको ये थी आज की क्विज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल टॉप टेन्स, जो आपके टॉप टेन में आए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैथ करिए आप अच्छा कर सकते हैं। और अमित भाई साहब आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे ऐसा नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा माय रैंक, अब सब अपनी रैंक बताओ एक बार, जितने स्टूडेंट ने दिया सब अपनी रैंक बताओ। ममता बताया 78, कोई टेंशन नहीं आता, देखो ये तो सब टेस्ट चल रहा है आपका। यदि आप प्राइस रख लूंगा मैं फिर आपको एंट्री फीस भी लगेगी। ट्वेंटी रैंक आई है, 37 आई है, माई रैंक इज 50 50 50। क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन इंक्रीज रैंक सर? देखो मेहनत करो और क्वेश्चन को जल्दी जवाब देने की कोशिश करो, देखो प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश करो। 49th आई है आशीष गुप्ता, कोई नहीं नॉट बैड। 141 61 रैंक कैसे करें चेक, आपका ऊपर ही आ रहा होगा। 20 रैंक आई है सुदर्शन भाई साहब, कोई नहीं मेहनत करो हो जाएगा। 430 हाउ कैन आई चेक माई रैंक, वहीं जो आपने चेक वहाँ पे जो आपने टेस्ट दिया होगा तो वो जो ही चेक कर सकते हैं बस। लास्ट टाइम आई वाज सेकंड, टुडे आई एम 25th। कोई बात नहीं विपिन जी, वो चलता रहेगा। वो तो देखो क्या था कि अमित सिंह तोमर पहले टॉप 10 में भी नहीं थे, मतलब ये मान लो कि उनको वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, अब वो टॉप आ गए हैं, टॉप 2 में आ गए हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको करेंगे और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 50 रैंक है आपका, 119th रैंक है सुदीप सरकार, रोने की बात क्या, पहले 7 था। और मैथ्यू हेडन, ईशान पांडे, चलो जी, गुरु तमिल, गुरु प्रसाद, कितने स्टूडेंट थे सर? स्टूडेंट थे टोटल आपके 150 के करीब स्टूडेंट थे, 150 160। मैं फर्स्ट, सचिन यादव सही है। ऋषभ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन टॉप 10 में, मेरा तो 11th रैंक है, 15 पे चला गया, कोई बात नहीं। आज टोटल कितने स्टूडेंट थे? 150 स्टूडेंट थे सर। नेक्स्ट क्विज का सब्जेक्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्विज का सब्जेक्ट मैं आपको सोच रहा हूँ कि सर्वेइंग करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, सर्वेइंग कराऊँ या फिर इरीगेशन कराऊँ, आप बोल सकते हैं पहले। हाँ प्राइज रख लेंगे पर आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी फिर उसकी। बोलो, ऐसा बोलोगे तो हम कर लेंगे सर। प्लीज टेल मी माई रैंक, नहीं मुझे सबका रैंक नहीं बताया, बस टॉप 10 का रैंक पता है, टॉप 10 का, ठीक है। तो अब ये अच्छा, हितेश गर्ग जी टॉप 3 में आ गए, बढ़िया भाई बढ़िया।
तो मैं एक बार नाम लेता हूँ, फर्स्ट पे है सचिन यादव, सेकंड पे अमित सिंह तोमर, थर्ड पे हितेश गर्ग, फोर्थ पे पूजा। कंग्रेचुलेशन पूजा, टॉप फोर में आने के लिए। ऋषभ गुप्ता, गुरु तमिल, डॉक्टर एविल भी गर्ल है, और मैथ्यू हेडन, शुभम रामोला एंड द नारायण वर्मा। सर्वे 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 हाईवे, सर्वे सर्वे सर्वे। ओके मैं क्या करूं, फर्स्ट टू फोर्थ 14th, मैथ करो, मेरा 15 पे रैंक चला। सर आप दो क्वेश्चन का गलत आंसर दिए हैं। हाँ उसकी वजह से हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। वो क्वेश्चन आपका उसका आंसर गलत था उसमें। चलो अब अगली बार जो करेंगे वो सर्वे करेंगे, ठीक है, सर्वे के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पे हाँ सर्वे क्वेश्चन करेंगे। फिर बेस्ट रैंक है सर, क्यों कि एवर एग्जाम के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है। 20 रैंक नॉट बैड, हाँ नॉट बैड सर। रोज रखिए क्विज को, रोज नहीं हो सकता है, सैटरडे को सही है, सैटरडे को क्विज करेंगे, क्योंकि पूरे देखो फिर इसका मजा खत्म हो जाएगा यदि आप रोज रोज क्विज करोगे तो, है ना। वीकली करेंगे, वीकली ही मजा आएगा आपको करने में, और 50 50 60 क्वेश्चन करेंगे सर्वे के करेंगे अगली बार, और इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दे दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। फोर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था, चलो कोई नहीं, वो मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है कि वो उन्होंने टाइप करने में गलत कर दिया हो, कि फिर वो आपको वही दिखाएगा। हाँ फुल सिलेबस रखेंगे, एंड में फाइनल लिस्ट में नाम है बॉस। हाँ वो देखो वही मैटर करता है कि लास्ट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, वही आपको मैटर करेगा। सर पेंट कलेक्शन कब करेंगे, करा दूंगा, देखो करा भी रखा है वैसे मैंने, पेंट कलेक्शन डिफेक्ट्स में पेंट करा रखा है, आप चेक कर सकते हैं जाके यूट्यूब चैनल पे। चलो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू इन दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और लाइक करके जाओ भाई साहब, ठीक है, लाइक नहीं करते आप सभी तो, लाइक करो वीडियो को, और हाँ फुल सिलेबस रखूंगा, फुल सिलेबस रखूंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सब्जेक्ट में से निकल जाओ, फिर मैं आपका फुल सिलेबस टेस्ट भी कराऊंगा, इसमें आपके पूरे पूरे 100 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 123 नॉट बैड वेद कुमार जी, अपने आपको इंप्रूवमेंट करिए, हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, और ऐसे ही तो अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, इसको चीज से आप सीखिए कि जिन स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो ज्यादा खुश ना हो, क्या होता है अगली बार आपकी रैंक कम हो जाए, और जिनके अच्छे जिनके खराब आए उनको मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा, उनको लगना चाहिए कि मैं अपनी अगली बार अच्छे नंबर लाऊंगा। मेरे और एक अमित में 1 पॉइंट का डिफरेंस है, हाँ ये बात भी है भाई साहब, ये बात भी है सर। नेगेटिव मेरे और हाँ ये बात भी है, नेगेटिव भी रखो, क्योंकि देखना पड़ेगा वो फीचर है नहीं है इसमें अभी। चलो फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कल आपका क्लास रहेगा, कल हम टॉक करेंगे आपसे, ठीक है, संडे टॉक करेंगे, उसमें आप सबको आ जाना है, और ये कुछ बातें कर लेंगे जिससे कि आपको जो भी आपकी दिक्कत है उनको दूर कर लेंगे, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, कल आप सोल्यूशन जो होंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, बाय बाय।